झिलमिल रोशनी, चेहरों में उत्साह के रंग और दिलों में मां की भक्ति लिए दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव का भव्य शुभारंभ कुछ इसी अंदाज में हुआ, जिसमें प्रतिभागियों के साथ उपस्थित हजारों की संख्या में दर्शक इस भक्ति व शक्ति के महाजश्न के साक्षी बने एवं मां की भव्यतम आरती उतारी। देखा जाए तो सतना शहर के लिए दैनिक भास्कर का गरबा महोत्सव सालाना जलसा बन गया है, जहां पर लोग अपने परिजनों के साथ मां आदि शक्ति का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति गीतों के साथ गरबा खेलते हुए मां की भव्य आरती उतारते हैं। इस बार भी महोत्सव में उल्लास और भक्ति लोगों के बीच देखने को मिली। गरबा का तीसरा दिन यानी शनिवार को चौदहवीं के चांद की तरह सिटी पार्क में लोगों ने इस उत्सव की शीतल अनुभूति को प्राप्त किया। शाम 7:30 बजते पूरा परिसर प्रतिभागियों की उपस्थितियों से गुलजार हो गया। माँ दुर्गा की आरती के लिए बनाए गए विशेष सर्कल में प्रतिभागी हाथों में दीपक लेकर खड़े रहे और जैसे ही ट्रेनर का इशारा मिला, मंच से आवाज आई, जय मात भवानी, उधर परिसर जय अम्बे के पवित्र शब्दों से गूंजने लगा। भक्ति के इस कारवां में एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने तीन ताली के गरबा की अभिव्यक्ति से परिसर को जीवांत कर दिया। तीन तालियों का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गरबा की इस प्रस्तुति में तीन बार तालियां बजाकर इन्हीं तीनों देवताओं से इच्छा शक्ति जगाने की आराधना की जाती है। पहली ताली ब्रह्मा यानी इच्छा शक्ति से संबंधित है। इस कारण ब्रह्मा की इच्छा तरंगे जागृत होकर हमारे मन की इच्छा का समर्थन करती है। दूसरी ताली भगवान विष्णु से संबंधित है, जो हमें इच्छा से कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तीसरी ताली भगवान शिव को समर्पित की जाती है, जो हमारी ज्ञान की तरंगों को जागृत कर कार्य करवाकर उसके परिणाम से हमें फल प्राप्ति करवाती है। दरबार की जय माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगी, पूरा सतना के पूरे भारत और पूरे संसार में माता रानी का आशीर्वाद रहे। दैनिक भास्कर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ना जाने कितने सालों से यहाँ पर गरबा कर दिया और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में होता है, कोई वेस्टर्न यहाँ पर नहीं होता, फैमिली जैसा लगता है। हम लोग आकर बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से यहाँ पर पूजा होती है, वेलकम होता है और ऐसा लगता है जैसे हम अपने फैमिली में ही बैठे। द्वारा आज यहाँ बहुत शानदार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि पूर्व से दैनिक भास्कर समूह की तरफ से गरबा महोत्सव मनाया जाता रहा है, इस वर्ष भी बहुत शानदार तरीके से आयोजन किया, इसलिए मैं दैनिक भास्कर के प्रबंधन को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दैनिक भास्कर के इस नवरात्रि पर्व में भास्कर की ओर से यह गरबा जो महोत्सव मनाया गया है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। और यह जैसा कि आप सब जानते हैं कि गरबा जो है, गरबा का अर्थ है गर्भ ज्योति, दिए के अंदर गर्भ एक मटके में दिया रख के उसको नृत्य किया जाता है और माँ की आराधना की जाती है।
अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित तौर पे ये सतना के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि यहाँ पर सतना में जो भी प्रतिभागी और ये मंच जो भाग ले रहे हैं, ये निश्चित तौर पे उनके लिए एक अवसर है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। इस सुरीली तानों से कोरोना के माहौल से बाहर निकल कर अब उत्साह का माहौल, उल्लास का माहौल बना है। निश्चित तौर पर ये जो दैनिक भास्कर द्वारा जो किया जा रहा है हमारे उसके लिए निश्चित तौर पे हम बहुत आभारी हैं और सतनावासी बहुत आभारी हैं। आवाज साउंड सर्विस के माध्यम से थैंक यू। सबसे सुंदर और सबसे पारिवारिक अगर कोई कार्यक्रम है तो वो दैनिक भास्कर सतना है, जिसमें मैं शुरू से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चे भी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन किसी वजह से बच्चे इस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर हैं वो। अदरवाइज़ मेरा बच्चा जब बचपन में था 5 साल 6 साल का, तब से वो गरबा का पार्टिसिपेंट है आपका, और पिछले 15-17 साल जब से भी गरबा हो रहा है भास्कर, तो हम हमारा परिवार हमेशा इसमें शरीक हुए।